पादहस्तासन। संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ। इसीलिए पादहस्तासन का मतलब वो योगासन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हो। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है, किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है।